नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल बी बेटर एंड डू बेस्ट में। दोस्तों, संस्कृत भाषा की क्लास में यह छठवां मॉक टेस्ट है जो कि अब सीटेट का स्टार्ट किए हैं। कुछ पिछले वर्ष के प्रश्नों को हम देख रहे हैं ताकि हम सभी को ये पता चल सके कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो आज सीटेट का पहला प्रश्न पत्र हम देखते हैं। तो पहले निर्देशक देख लीजिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम विकल्पात् कार्येतरेषु समुचित उत्तरम चित्वा लिखतः। ठीक है, तो इसमें से सभी गद्यांश को पढ़िए और उसके आधार पे जो यहाँ पे सबसे उचित विकल्प है उसको उत्तर के रूप में दीजिए। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं कि गद्यांश क्या कहता है। गद्यांश कह रहा है कि संस्कृत भाषा अतीव वैज्ञानिकी केचन कथयन्ति यच संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्यावांगमय वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। कालिदासीनाम विश्वकवीनाम काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्यचरितम् अर्थशास्त्रम् जगति प्रसिद्धमस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम् सर्वप्रथम् आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धं। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं रसायनशास्त्रं खगोलविज्ञानं ज्योतिषशास्त्रम्। आगे बढ़ते हैं। विज्ञानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकं विद्यामृतमस्यते मस्युनते योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत शिक्षयति। केचन कथयन्ति यच संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। आम ते सत्य कथयन्ति। महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धीतिः सामान्यजनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति एतेषु ग्रंथेषु। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अस्मैव पठनीयं। तेन मनुष्यं समाजस्य च परिष्कार भवति। उक्तश्च अमृतं संस्कृतं मित्र सरलं सरलं वचः। भाषा च महनीयं यद् ज्ञान विज्ञान पोषकम्। अब यहाँ पे हम प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार के सीटेट की परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि कस्मिन् पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति ते जगति विद्यन्ते अनुष्यते। तो सप्तमी विभक्ति किसमें है। 31 का यहाँ पे जो सही जवाब आ रहा है वो हो जाएगा जगति। जगति में क्या है, सप्तमी विभक्ति है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। द्वंद्व समासस्य उदाहरण अस्ति। द्वंद्व समासस्य उदाहरण अस्ति मतलब इसमें योजक चिन्ह से जुड़ेंगे विज्ञान शास्त्रम विश्व प्रसिद्धम जीवन पद्धति चरक सुश्रुतयो। तो 32 का जो सही जवाब हो जाएगा चरक सुश्रुतयो। ठीक है, चरक सुश्रुतयो मतलब चरक का संबंध बता रहा है। अगला देखिए। मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कारः केन भविष्यति। संगणकः प्रयोगेण संगणक मतलब कंप्यूटर के प्रयोग से विज्ञानेन संस्कृत भाषा पठनेन गणित शास्त्रेण। 33 का संस्कृत भाषा पठनेन मनुष्य समाज का परिष्कार कैसे होगा, संस्कृत भाषा के पठन से। आगे देखिए। चरक सुश्रुतयोः योगदानं कस्मिन् शास्त्रे अस्ति। चरक सुश्रुतयोः योगदानं कस्मिन् शास्त्रे अस्ति। चिकित्सा शास्त्रे संगीत शास्त्रे काव्य शास्त्रे विमान शास्त्रे। तो चिकित्सा शास्त्रे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आर्यभट्टस्य योगदानं कस्मिन् शास्त्रे अस्ति। आर्यभट्ट किसके कवि हैं, किसके लेखक हैं। तो आर्यभट्ट गणित शास्त्रे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका आपको सीधा सीधा गणित शास्त्रे लगा देना होगा। ज़्यादा कठिन नहीं आता, बहुत सरल आता है, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे।
अर्थशास्त्रस्य प्रतिपादकः अस्ति। अर्थशास्त्र के प्रतिपादक कौन हैं? 36 का बी, अभी हमने जीके की क्लास में इसको बताया था सुबह की। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है, किसने कौन प्रतिपादक हैं? कौटिल्य हैं। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए कि अद्यत्वे संस्कृत भाषा कस्य कृते समुपयुक्ता भाषा मन्यते। अद्यत्वे संस्कृत भाषा कस्य कृते समुपयुक्ता भाषा मन्यते। तो गणितस्य, खगोल विज्ञानस्य, विमानशास्त्रस्य, संगणकस्य। तो 37 का यहाँ पे संगणकस्य, ठीक है, संगणकस्य। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, कथितम इत्यर्थे अन्य किम पदम प्रयुक्तम। कथितम इत्यर्थे अन्य किम पदम प्रयुक्तम। तो 38 का यहाँ पे उक्तम क्या हो जाएगा? उक्तम। अगला देखिए, कस्मिन पदे अनियर प्रत्यय प्रयुक्तः। तो किस पद में अनियर शब्द का प्रयोग हुआ है? इत्यादीनि उल्लेखनीयानि अन्यानि वैज्ञानिकी। तो 39 का जो सही जवाब हो जाएगा, उल्लेखनीयानि में अनियर पद का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, फिर से आपको गद्यांश पढ़ना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो गद्यांश पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि प्रकृति मनुष्यस्य उपकारिणी, प्रकृति मनुष्यस्य उपकारिणी, मनुष्य सह तस्या शाश्वतः संबंध, सा विविध रूपेषु अस्मिन् जगति आत्मानां प्रकटयति, पशवः पक्षिणः वनस्पतयः च तस्या एव अंगानि, निराशाः असहायाः जनाः तस्याः एव आश्रमं प्राप्नुवन्ति, सा स्वमनोहारेण सौन्दर्येण नीरसं हृदयम् अपि सरसं करोति, सूर्यः चन्द्रः च तस्या नेत्रे, सस्य श्यामला एषा भूमिः, विविधा औषधयः सकलानि खनिजानि च प्रकृते एव शोभा, सा तु नित्यम् एव एतै साधनै सर्वेषाम् उपकारं करोति, परम् अधन्यः अयं जनः कृतज्ञतां विहाय असाधु सेवितं पन्थानं गच्छति, विविधानि च कष्टानि च अनुभवति, नरः शाश्वतं सुखं वाञ्छति चेत् तहि प्रकृते प्रतिकूलं कदापि न आचरेत इति। अब प्रश्नों के उत्तर देना है। अत्र विधिलिंग कार्यस्य उदाहरणम् अस्ति। तो विधिलिंग कारक का उदाहरण कौन सा है? तो 40 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचरित। आचरित किसका है? विधिलिंग कारक का उदाहरण है। अत्र कस्मिन पदे द्वितीया विभक्ति प्रयुक्ता, किस पद में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है? परम नित्यम कृतज्ञताम शाश्वतम। तो 41 का कृतज्ञताम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। का आत्मनम विविध रूपेषु प्रकटयति, तो कौन आत्मा के विविध रूप को प्रकट करता है? प्रकृति। कौन? प्रकृति। अगला देखिए कि असाधु सेवितम पंथानम गच्छति। 43 मनुष्य असाधु सेवितम पंथानम गच्छति, मनुष्य कस्य प्रतिकूलम न आचरेत, मनुष्य कस्याह प्रतिकूलम न आचरेत शोभायाः निराशायाः प्रकृते कृतज्ञतायाः। तो 47 का यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा प्रकृते, किसमें? प्रकृते। अगला देखिए, खनिजानि इति पदस्य अत्र विशेषण पदम किम। तो खनिजानि इति पदस्य अत्र विशेषण पदम किम। तो विविधानि अंगानि कष्टानी सकलानी। तो 45 का यहाँ पे अंगानी, ठीक है, पैरा में ये शब्द आया हुआ है। विषय केंद्रित उपागमे अधिगमानुभवा संबंधा भवति। तो विषय केंद्र उपागम अधिगम में संबंध किसका होता है? लर्निंग एक्सप्रेशन का, छात्र रुचि पाठ्य
क्रमेण अध्यापक विषय दक्षता शैक्षिक प्रविधिना। तो 46 का बहुत ही सरल प्रश्न है पाठ्यक्रम। आगे बढ़ते हैं, प्रतिभाल छड़ाने प्रमुखतया सम्यक रूपेण प्रकटी क्रियंते। तो 47 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सचित विद्यालय अभिलेख द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कोऽपि अध्यापकः कक्षायां प्रायः तेषां लेखानां समाचार विज्ञानां वा उपयोगं करोति, येषु अन्तर्राष्ट्रीय स्तरे भाविजीवनस्य संवर्धनार्थं बहुविध भाषा ज्ञानस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्। एतादृशी सामग्री छात्राणां केन रूपेण सहायं करोति। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा आपका 48 का वो हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, छात्रा विश्व समुदाय द्विभाषिकताया किम महत्त्वम इति अवगच्छति। अगला देखिए, श्रवण कौशल संबद्ध गतिविधि मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम। तो श्रवण कौशल आवश्यक क्यों है, तो यहाँ पे 49 का क्या हो जाएगा, श्रुत सामग्रियम अधिकृत विविध प्रकारार का प्रश्न, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला देखिए, कस्मिश्च पाठे प्रयुक्तश्च कस्यापि शब्दस्य किम मूल्यम इत्येन अभिप्रायः अस्ति। 50 का जो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, शब्दस्य संदर्भगत प्रयोगे सार्थकम। तो आज आपके यहाँ पे लगभग हमने कितने प्रश्न देखे, अभी चलिए और प्रश्न देख लीजिए। भाषा शिक्षणस्य कह विधि छात्रान तया भाषाया परस्परम अंतःक्रियार्थम प्रेयति। तो 51 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 51 का संप्रेषणात्मक विधि। श्रवण कौशल विकासार्थम कह उत्तम मार्ग, श्रवण कौशल के विकास के लिए सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है, तो विद्यालय से विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा श्रवणस्य अवसरा, विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम में भाषा को बोलने का अवसर देने से भाषा कौशल का विकास होता है। ध्वनि अभ्यासार्थम किम करणीयम। तो ध्वनस उच्चारण संबंधी विभिन्न गतिविधय। अगला देखिए, अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा विकासार्थम अतीव महत्त्वम अस्ति। तो काव्य शास्त्र पठनीयम, अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा जो है किस विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो परस्पर विचार विमर्श के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हमने सीटेट का दूसरी भाषा, ठीक है, संस्कृत जिन्होंने सेकेंड लैंग्वेज चूज किया है उसको हमने देखा। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।